दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SL वर्सेस WI, श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच में जो ये T20 सीरीज चल रही है, उसका यह थर्ड T20 मैच है, जो कि शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, फुल स्टैट्स इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत अच्छी अच्छी जो है आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। डायरेक्टली जो है मैच के बारे में हम बात करते हैं, श्रीलंका वर्सेज वेस्ट इंडीज जीतने के चांसेस अगर मैं बात करूं, श्रीलंका के हाई हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि श्रीलंका ये वाला मैच जीत सकती है, पहला मैच वेस्ट इंडीज की टीम ने विन किया था। शाम को 7 बजे से जो है रेनगिरी डम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम जो है डम्बुला के वेन्यू पे मैच होगा। यहाँ की अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए, बैट फ्रेंडली आपको विकेट देखने के लिए मिलेगा। फास्ट बॉलर्स यहाँ पर जो है, अगर आप देखोगे लास्ट के 5 मैचेस में 34 विकेट इनको मिले हैं, तो भाई फास्ट बॉलर्स जो है विकेट लेके जाते हैं। थोड़ा सा जो है रेन एक्सपेक्टेड रहेगा, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रेन के यहाँ पे इतने ज्यादा हाई चांसेस नहीं है। यहाँ पर वीडियो को भाई मेरे लाइक जरूर से कर देना यार, तबीयत थोड़ी सी खराब है, सर्दी जुकाम बुखार सब है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार, सपोर्ट मिलेगा, काफी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हो। बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की। वेन्यू स्टैट्स में देखेंगे, टोटल जो है 5 T20 मैचेस इस वेन्यू पे हुए हैं। 4 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 1 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। एवरेज स्कोर 185 का है, हाईएस्ट स्कोर 209 रन है, लोएस्ट स्कोर 115 रन है। 5 मैचेस में क्या हुआ है भाई, 2 मैचेस में 150 से 170 रन के बीच में स्कोर बना है, और 2 मैचेस में 170 से 190 के बीच में स्कोर बना है, 1 मैच में 190 से ऊपर का स्कोर बना है। वेन्यू पर इसी सीरीज के जो है 2 मैचेस रिसेंट में खेले गए हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि 1 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 1 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है, और यहां पर अच्छे खासे जो है रन बने हैं। उससे पहले यहाँ पर फरवरी में जो है मैचेस हुए थे, जहां पर आप देख सकते हो कि बैट फर्स्ट करने वाली टीम को यहाँ पर एडवांटेज गया था। लास्ट के 5 में से 4 मैच बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, और 1 बार जो है बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया हुआ है। तो आप यहाँ पर जो है ब्रीफ स्कोर कार्ड देख सकते हैं लास्ट के 5 मैचेस का। गाइस, जब बात करते हैं हेड टू हेड के रिकॉर्ड की, तो हेड टू हेड के रिकॉर्ड की अगर बात की जाए श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच में, टोटल 17 T20 मैचेस हुए हैं। 8 बार वेस्ट इंडीज की टीम ने विन किया है और 9 बार श्रीलंका की टीम ने विन किया है। ये वाला मैच जो है ना, ये मैच मुझे लगता है श्रीलंका की टीम विन कर जाएगी। लास्ट मैच जो इनका हुआ था वो 2 इसी सीरीज का है, तो ये देख लीजिए, उससे पहले 2021 में ये टीमें आमने सामने खेली थी, जहां पे श्रीलंका ने 2 मैचेस विन किया था, 1 मैच जो है वेस्ट इंडीज की टीम ने विन किया था। तो लास्ट 5 मैच आप यहाँ पर हेड टू हेड के भी देख सकते हैं। अब दोनों ही टीम की रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, तो श्रीलंका अपना लास्ट वाला मैच विन करके आ रही है, उसके पहले हारी थी। उससे पहले इन्होंने इंडिया से सीरीज खेली थी, जहां पे 3 मैच जो है हार गए थे। जबकि वेस्ट इंडीज की अगर बात करें, वेस्ट इंडीज बैक टू बैक जो है विन करके आ रहा था, साउथ अफ्रीका से सीरीज विन करी थी, यहाँ पर जो है ये लास्ट मैच हार गए थे। तो लास्ट 5 मैच आप श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, सबसे पहले श्रीलंका टीम की हम प्लेइंग 11 देखेंगे। पी निशाका के साथ में जो है कौशल मेंडिस ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे, 1 डाउन पे कौशल परेरा है, उसके बाद कमांडो मेंडिस है, फिर यहाँ पे चेरतास लंका है, भानुका राजापक्षे है, वेंडु हसरंगा है, डोनित वेंगीले है, महेश तिक्षाना है, एम पथिराना है और नुवान तुसेरा है। तो ये श्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 है। वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए, ब्रेडन किंग के साथ में इवन लुइस ओपन करते हुए नजर आएंगे, 1 डाउन पे आंद्रे फ्लेचर है, रोस्टन चेस है, सरफन रदरफोर्ड है, जी मोटी है, रोमन पवेल है, रेमारियो सेफर्ड है, अल्जारी जोसफ है, एस स्प्रिंगर है और यहाँ पे सेमर जोसफ है। तो ये वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग 11 है। अगर आप देखेंगे ना, तो आपको श्रीलंका टीम में काफी सारे लेफ्ट हैंडेड मिलेंगे, कौशल परेरा हो गए, कमांडो मेंडिस हो गए, चेरतास लंका हो गए, भानुका राजापक्षे हो गए, और दुनित वेंगीले भी थोड़ी बहुत बैट कर लेते हैं, तो ये भी लेफ्ट हैंडेड बैटर है। टोटल 5 बैटर है, तो मुझे लगता है स्पिनर्स को जो है यहाँ पर अच्छा जो है सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि जो है वेस्ट इंडीज टीम के रहेंगे और उनको विकेट्स जो है मिलने के हाई चांसेस है, स्पेशली जी मोटी को। वेस्ट इंडीज की टीम में जो है इवन लुइस आपको मिल जाएंगे और रदरफोर्ड जो है मिल जाएंगे लेफ्ट हैंडेड बैट करते हुए। गाइस, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्लेयर के स्टैट्स के ऊपर बात करते हैं। श्रीलंका की तरफ से पी निशाका लास्ट मैच में 54 रन किया, मैन ऑफ द मैच रहे थे, 26 रन कौशल मेंडिस ने किया, कौशल परेरा ने 24 रन किया, कमांडो मेंडिस लास्ट मैच में विकेटलेस रहे, पहले मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, 51 रन प्लस 1 विकेट, चेरतास लंका ने भाई 2 विकेट लिए पहले मैच में 59 रन, तो देख रहे हो परफॉर्म कर रहा है ये बंदा। भानुका राजापक्षे एज यूजुअल फेल रहे थे, लास्ट मैच में वेंडु हसरंगा को 2 विकेट मिला, दुनित वेंगीले लास्ट मैच खेले थे, पहला मैच नहीं खेले थे, 3 विकेट मिला, तिक्षाना को 2 विकेट, पथिराना को 1 विकेट, लेकिन आपको बता दें पथिराना को आई थिंक 13वां या 14वां ओवर मिला था, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, इनसे बॉलिंग जो है काफी बाद में करवाई गई थी, जबकि अगर बॉल फर्स्ट आती है श्रीलंका टीम की ना, तो ये बॉल जो है पहले कर सकते हैं, पावर प्ले में भी कर सकते हैं। नुवान तुसेरा भी लास्ट मैच खेले थे लेकिन जो है विकेटलेस रहे थे।
ये लास्ट मैच की जो है श्रीलंका टीम की जो है यहाँ पर बॉलिंग डिटेल्स है। पावर प्ले में आपको तिक्षाना, तुसेरा और डुनित वेंगेले मिलेंगे। और आपको डेथ में अगर मैं बात करूँ तो हसरंगा भी डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं, साथ ही साथ डुनित वेंगेले, नुवान तुसेरा, ये जो है आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए मिलेंगे श्रीलंका टीम की तरफ से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर की परफॉर्मेंस की। ब्रेंडन किंग पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहते, फ्लॉप गई इनकी ओपनर जोड़ी और फ्लॉप हुए आंद्रे फ्लेचर, एज यूजुअल जीरो पे आउट हुए। रोस्टन चेस जो है विकेटलेस रहे, पहले मैच में भी विकेटलेस रहे थे। रदरफोर्ड सिर्फ 14 रन पे आउट हुए। और अगर मैं बात करूं गुदाकेस मुटी, ये भी जो है विकेटलेस रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो रेमारियो सेफर्ड, इनको जो है 2 विकेट मिला था, 1 विकेट एस स्प्रिंगर को मिला था। अल्जारी जोसेफ ने 16 रन किया प्लस 1 विकेट, सैमर जोसेफ 1 रन। बाकी हेड टू हेड के रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड भी हमने डाल रखे हैं। वेन्यू रिकॉर्ड तो लास्ट के 2 मैचेस का है और हेड टू हेड के भी रिकॉर्ड मोस्ट ऑफ द प्लेयर का जो है लास्ट के 2 ही मैचेस का है। ये लास्ट मैच की जो है वेस्ट इंडीज की बॉलिंग है, इसमें अगर आप देखेंगे अल्जारी जोसेफ, सैमर जोसेफ और जी मुटी, ये आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए मिल रहे हैं। रेमारियो सेफर्ड और अल्जारी जोसेफ, ये आपको जो है डेथ में बॉलिंग करते हुए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसने कौन सा ओवर डाला है, वो चीज हमने डाल रखी है। अब हम बात करते हैं टॉप पिक्स की। टॉप पिक्स यानी की प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से रहेंगे जो आपको अपनी टीम में रखने चाहिए। सबसे पहले आते हैं हसरंगा, उसके बाद पथिराना, रेमारियो सेफर्ड, ब्रैडन किंग, इवन लुइस, दोनों जो है अच्छी ऑप्शन है, अपने दिल पे अच्छा करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। फिर भी मैं ब्रैकेट में रखूंगा इनको क्योंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। डुनित वेंगेले बैट बॉल दोनों कर लेते हैं, अच्छी ऑप्शन है। पिन इसाका 2023 से इनका करियर बहुत अच्छा जा रहा है। कमांडो मेंडिस बैट बॉल दोनों कर लेते हैं। तो ब्रैडन किंग और इवन लुइस को छोड़ दिया जाए ना, बाकी 6 प्लेयर्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है अपनी टीम में, आप जो है जरूर से पिक करिएगा। स्मॉल लीग में सीबीसी, हसरंगा, पथिराना, रेमारियो सेफर्ड, ब्रैडन किंग, ये 4 को आप जो है सीबीसी जा सकते हो, बढ़िया ऑप्शन है। ग्रैंड लीग में जा रहे हो भाई, इवन लुइस अपने दिन पे अच्छा करते हो आपको नजर आ सकते हैं। डुनित वेंगेले अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है बैट करते हुए आपको दिख सकते हैं, बैट अगर अच्छी कर दी है तो विकेट भी बंदा लेके जाएगा। निसाका अगर बैट फर्स्ट आती है उस कंडीशन में आप सीबीसी कर सकते हो। कमांडो मेंडिस बैट फर्स्ट आती है उस कंडीशन में आप सीबीसी कर सकते हो। तो ये ग्रैंड लीग की 4 ऑप्शन है जो कि आज के लिए ग्रैंड लीग की पिक मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने श्रीलंका टीम की स्कोर डिटेल डाल रखी है और वेस्ट इंडीज टीम की स्कोर डिटेल डाल रखी है, तो दोनों ही टीम की आप यहाँ पर स्कोर डिटेल भी देख सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखी है, जरूर से जो है ज्वाइन करिएगा। और वीडियो को मेरे भाई लाइक नहीं किया है तो यार जरूर से लाइक कर दो यार, काफी सपोर्ट मिलेगा, तो वीडियो को लाइक आप जो है जरूर से करें। चलिए ड्रीम 11 पे चलेंगे, जहां पे हम अपनी 3 मेंबर और 4 मेंबर की टीम देखेंगे। तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से हम शुरुआत करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको कौशल मेंडिस और आंद्रे फ्लेचर 2 ऑप्शन मिलती है। अगर साई होप खेल गए ना, इनको लेके जाना, फ्लेचर को लेके जाने की जरूरत नहीं है। फ्लेचर जो है मुझे जो है जनरली मैं इनको ग्रैंडली की टीम्स में ट्राई करता हूँ, कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। यहाँ पे की मेंडिस अच्छी ऑप्शन है, इनको अपनी टीम में लेके जाइए। मैंने पी निशाका को भी ले रखा है, अचरता श्रीलंका को ले रखा है, और यहाँ पर कौशल परेरा एक आपको बेहतरीन ऑप्शन मिलती है, इनको अपनी टीम में आप रख सकते हो भाई, अच्छी ऑप्शन है, बंदा परफॉर्म करके देता है। फिलहाल मैं नहीं ले पाया हूँ, ना ब्रैडन किंग को ले पाया हूँ। मैंने हसरंगा को अपनी टीम में लिया है, रोस्टन चेस को लिया है, किमांडो मेंडिस को लिया है, रेमारियो सेफर्ड को लिया है, डुनित वेंगेले को मैंने अपनी टीम में लिया है। ऑलराउंडर ये 5 काफी इंपॉर्टेंट है, 5 को अपनी टीम में आप रखिएगा, अच्छी ऑप्शन जो है रहने वाले हैं। इसमें अगर ड्रॉप करना हो ना किसी को तो डुनित वेंगेले या फिर जो है के मेंडिस को आप ड्रॉप जो है करके थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बॉल में अगर मैं बात करूं, पथिराना हमारी टीम में डायरेक्टली आएंगे, भले ही जो है बॉलिंग लास्ट में मिली लास्ट मैच में, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन है, मैं अपनी टीम में लेके जाऊंगा। इसके अलावा मैंने अल्जारी जोसेफ को ले रखा है। वेस्टइंडीज की अगर पहले बॉल आती है देन मैं जो है जी मोटी को लेके जाऊंगा, डिसेंट ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, विकेट्स जनरली अगर आप देखोगे लेके जाते हैं, वेन्यू पर विकेट्स मिल सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो नुवान तुसेरा को आज मैं थोड़ा सा रिस्क लेके ट्राई करूंगा, आप यहाँ पे सेफ जाना चाहते हो, तिक्षाना के साथ में जा सकते हो। अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है आप 100% जो है इसको चेकआउट कर लीजिएगा, 1 विकेट तो बंदा आपको निकाल के दे देगा। मैं थोड़ा सा रिस्क लेके आज जो है नुवान तुसेरा के साथ में जाऊंगा। नुवान तुसेरा विकेट टेकिंग ऑप्शन है, कभी कभी विकेट लेके जाते हैं, गुच्छों में विकेट लेके जाते हैं, अगर आपने इनको देखा होगा तो आपको ही पता होगा विकेट टेकिंग जो है कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने इनको जो है थोड़ा सा रिस्क लेके किया हुआ है, मात्र 10% सिलेक्शन है। अगर ये बंदा 2 विकेट अगर लेके गया ना तो 1-sided जो है हमारी टीम विन करेगी। सीबीसी की बात करें तो नो डाउट यहां पर हमारे जो कैप्टन रहेंगे वेंडू हसरंगा रहेंगे। वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं तो देखो यार रोस्टन चेस बॉलिंग से ये बंदा फ्लॉप हो रहा है, बैट से भी फ्लॉप हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं। फिलहाल मैं वाइस कैप्टनसी यहां पे पथिराना को दे रहा हूं जो कि मुझे 1-2 विकेट निकाल के जो है दे सकते हैं। आप यहां पे सेफ जाना चाहते हो एज अ वाइस कैप्टन तो भाई रेमारियो सेफर्ड आपको ऑप्शन मिलती है, या फिर जो है आप निशाका या फिर के मेंडिस के भी साथ में जा सकते हो।
टीम प्रीव्यू की बात कर लेते हैं। 8 प्लेयर मैंने श्रीलंका के लिए हैं, 3 प्लेयर मैंने वेस्ट इंडीज के लिए हैं। मुझे लगता है कि श्रीलंका ये मैच जो है विन कर जाएगी, उसी हिसाब से मैंने टीम बनाई है। के मेंडी से हमारी टीम में चरता असलंका है, पी निशाका है हमारी टीम में, वेंडू हसरंगा है, कौशल मेंडिस है और रेमारियो सेफर्ड है और जो है रोस्टन चेस है, दुनित बेंगीले है, अलजारी जोसफ है, लुवान तुसेरा है और यहाँ पे एम पथिराना है। हसरंगा को मैंने यहाँ पर जो है कैप्टनसी दी हुई है और यहाँ पर पथिराना को मैंने वाइस कैप्टनसी दी हुई है। तो ये हमारी टीम रहने वाली है 3 मेंबर अपॉन 4 मेंबर के लिए, जो कि हम ड्रीम इलेवन में ये टीम यूज करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।